दोस्तों, जो कि मेरे पास डिवाइस है, ये है सैमसंग M21, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसके अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया था अपने चैनल पे। तो इसमें आज हम करने वाले हैं पबजी टेस्ट। अगर आपने वो अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं है तो ऊपर मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, तो उसमें देख सकते हैं। फिलहाल इसमें हम गेमिंग टेस्ट करने वाले हैं, जिसमें मेरे फ़ोन में अभी एक गेम पड़ा हुआ है पबजी, उसको खेल के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाके इसका मतलब दिखा देता हूँ क्या कुछ आपको इस फ़ोन में मिल जाता है। तो सैमसंग गैलेक्सी M21 ये फ़ोन है, जैसे कि मैंने बताया। और बात करें इसमें मतलब सॉफ्टवेयर वगैरह की, तो इसमें है 1 UI Core 2.0 और एंड्रॉयड वर्ज़न है 10। इसमें रैम वगैरह देखेंगे तो इसमें आपको रैम मिल जाएगी 6 GB, और जो कि स्टोरेज है वो है 128 GB। तो मेरे पास मतलब हाईएस्ट वेरिएंट है इसका, 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज, तो यहाँ देख सकते हैं अवेलेबल। जो कि फ़िलहाल वो तो टोटल बता दिया, फ़िलहाल इसमें 6 GB में से 3 GB मेमोरी खाली है और नियरली 97 GB आपकी इंटरनल स्टोरेज खाली है। तो इसमें पहले मैंने पबजी इंस्टॉल करा हुआ है, तो चलिए पबजी खेल के देखते हैं कैसे इसकी परफॉर्मेंस रहती है। तो यहाँ गेम लॉन्चर है इसका, तो गेम लॉन्चर में काफ़ी मतलब इसके फीचर्स हैं, तो इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा इसके फ़ोन के मतलब सैमसंग के गेम लॉन्चर के बारे में। फिलहाल इसमें हम करने वाले हैं पबजी टेस्ट, तो पबजी को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं क्या कुछ आपको इसमें ग्राफिक सेटिंग्स वगैरह मिल जाती है। ओपनिंग टाइम मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कितना टाइम लगेगा। मतलब जो इस फ़ोन का एंटूटू स्कोर है वो स्नैपड्रैगन जो 660 है उससे थोड़ा ज़्यादा है, 1,74,000 के आसपास पड़ता है इसका एंटूटू स्कोर, लेकिन 675 से थोड़ा कम है। तो इसको कर देते हैं कैंसिल, कलेक्ट कर लेते हैं लॉगिन रिवॉर्ड्स। बाकी खेल के देखते हैं इसमें पबजी। तो सबसे पहले आपको ग्राफिक सेटिंग्स दिखा देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसमें मतलब आपको बैलेंस्ड और हाई मिलता है जब पबजी पहली बार ओपन करेंगे, लेकिन इसमें देख सकते हैं स्मूथ पे आपको एक्सट्रीम फ्रेम रेट का ऑप्शन मिल जाता है, बैलेंस पे अल्ट्रा तक का है, HD भी अवेलेबल है अल्ट्रा तक का, और HDR में भी अल्ट्रा तक का ऑप्शन मिल जाता है। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं स्मूथ और एक्सट्रीम का टेस्ट, और देख सकते हैं स्टाइल मैंने रखा है क्लासिक, और जो कि एंटी अलाइजिंग डिसेबल है। बाकी देख सकते हैं स्क्रीन ब्राइटनेस 130, ऑटो एडजस्ट ग्राफिक मैंने डिसेबल कर रखा है। तो सबसे पहले हम ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके खेल लेते हैं, फिर TDM। तो पहले आपको TDM का एक दिखा देता हूँ। तो ये पहले ही मैच में मेरे को डाल दिया इन्होंने। तो फिलहाल तो देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी मतलब स्मूथ दिख रहा है ग्राफिक्स, नियरली आपको 40 to 50 फ्रेम रेट्स मिल रहा होगा। मतलब उतना मतलब पावरफुल प्रोसेसर नहीं है, लेकिन इस पर ग्राफिक के फ्रेम रेट आपको अनलॉक मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी गन उठा के चलते हैं थोड़ा मारने। इतना बढ़िया गेम नहीं जा रहा हमारा, हम हार रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों आपको फ्रेम रेट नियरली ठीक ठाक मिल जाता है 40 to 50, और ये मैं चला रहा हूँ स्मूथ में और एक्सट्रीम में। तो अब इसको थोड़ा मतलब चेंज करते हैं, इसको चेंज करके लाते हैं बैलेंस्ड और अल्ट्रा पे, बैलेंस और अल्ट्रा। ओके, ओके नहीं करा शायद से। तो देख सकते हैं ये है बैलेंस और अल्ट्रा, तो इस पे भी आपको 30 के ऊपर ही फ्रेम रेट मिल जाता है ठीक ठाक। लेकिन दोस्तों सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहती है इसकी स्मूथ और एक्सट्रीम में,
बाकी इस फ़ोन में मतलब कोई हीटिंग इश्यू वगैरह अभी तक नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा पबजी भी नहीं खेलता, इसलिए मेरे को जितना खेलता हूँ उतना पता नहीं लगा। उतना फ़ोन मतलब काफ़ी स्मूथ चलता है, तो ये मतलब देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ है। अभी नियरली 30 के ऊपर ही आपको फ्रेम रेट मिल रहा होगा, 30 और 40 के बीच में। और से मैंने जायरोस्कोप इनेबल करके रखा हूँ, देख सकते हैं जायरोस्कोप ऑलवेज ऑन है। तो इसका जायरोस्कोप का परफॉर्मेंस देखिए तो वो भी मतलब काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, देख सकते हैं ठीक ठाक रिस्पॉन्सिव है। अब इसको कर लेते हैं बैलेंस से हटा के HD और अल्ट्रा पे, देख सकते हैं HD ग्राफिक्स है ये। HD में भी आपको मतलब 30 के लगभग फ्रेम रेट मिल जाता है। मैंने पहले ही बताया दोस्तों कि आप इतना पावरफुल प्रोसेसर नहीं है ये, बस इसमें आपको ग्राफिक्स अनलॉक करके दिए गए हैं। ग्राफिक मतलब फ्रेम रेट है जो, सॉरी नीचे हो गया क्रॉस हेयर। देख सकते हैं आप लोग ये है HDR ग्राफिक है, सॉरी HD ग्राफिक है, अल्ट्रा में HDR पे सेट कर लेते हैं। ये हमारा HDR है, तो इसमें दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा लैग मिलेगा, मतलब गेम उतना प्लेवेबल नहीं है। इसमें 20 से 30 के बीच आपको फ्रेम रेट मिल रहा होगा, अल्ट्रा दिखा रहा है लेकिन अल्ट्रा मतलब फ्रेम रेट नहीं मिल रहा है। इसमें आपको नियरली 20 से 30 के आसपास फ्रेम रेट मिल रहा होगा, देख सकते हैं। अगर मैं इसको टर्न करूं तो लैग देख सकते हैं आप लोग क्लियरली सेटरिंग है। और यही मैं सेम चीज़ आपको अगर स्मूथ और अल्ट्रा एक्सट्रीम पे करके दिखाऊं, ओके देख सकते हैं, देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ हो गया है। तो स्मूथ और एक्सट्रीम पे आपको नियरली 40 से 50 FPS मिलेगा, लेकिन दोस्तों अगर आप HDR पे करके स्विच करके खेलते हैं तो HDR पे आपको काफ़ी मतलब लैगिंग वगैरह देखने को मिलेगी, प्लेवेबल नहीं है गेम। तो ये था इसका कुछ मतलब पबजी रिव्यू सैमसंग M21 का, जिसमें मतलब काफ़ी मतलब सही से गेम चल सकता है। और बाकी मैं इसके गेम बूस्टर के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, देख सकते हैं जो सैमसंग का खुद का गेम बूस्टर होता है, देख सकते हैं इसका गेम बूस्टर है। तो इसमें बताऊंगा आप लोग कैसे मतलब वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्या कुछ इसमें आपको अलग से ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ये था सैमसंग M21 का पबजी टेस्ट, 6 GB रैम और 128 GB वाले वेरिएंट का। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।